दोस्तों तेरे नाम मूवी किस किस को याद है? आई थिंक सबको याद है और सबने देखा है। आज भी कहीं ना कहीं टीवी में अगर कहीं भी दिख जाए, एक पल के लिए वो चैनल रुक जाता है और सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, पुराने दिन याद आ जाते हैं। राधे का वो किरदार तेरे नाम में सलमान खान का बहुत ही फेमस हुआ था। वो हेयर स्टाइल, वो लुक, वो एटीट्यूड, लोग अपने रियल लाइफ में ऐसा करने लग गए थे। अभी पिछले साल ये बात चल रही थी कि शायद तेरे नाम 2 अनाउंस होने जा रहा है। क्या तेरे नाम 2 बनेगा? बनेगा या नहीं, उस पर मैं बताना चाहूंगा कि तेरे नाम 2 बनता अगर सतीश कौशिक जी जिंदा रहते, क्योंकि तेरे नाम के जो डायरेक्टर थे वो सतीश कौशिक थे। उन्होंने ही ये प्लान किया था कि हम तेरे नाम 2 को जरूर बनाएंगे और एक सही स्क्रिप्ट जब तैयार हो जाएगा और स्क्रिप्ट तैयार होते ही, उसकी कहानी तैयार होते ही हम तेरे नाम पे काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी पिछले साल ही सतीश कौशिक जी का देहांत हो गया, तेरे नाम 2 का जो प्लान था पूरी तरह से एकदम रद्द हो चुका है। सलमान खान ने इस बात पर कहा कि सतीश कौशिक के बिना तेरे नाम करना बहुत ही मुश्किल है और फिलहाल तो वो इस बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कुछ कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ऐसा सलमान खान ने कहा है। अगर ऐसा होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि तेरे नाम जो करेक्टर था, स्क्रीन प्ले था, उसके जो गाने थे आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है और ये कल्ट क्लासिक मूवी बन चुका है लोगों के लिए। एवर ग्रीन सॉन्ग्स है उसके, बहुत सारे करेक्टर, बहुत सारे डायलॉग उसके बहुत फेमस है। हम चाहेंगे कि तेरे नाम 2 आए, लेकिन सच बताऊं तो बहुत मुश्किल है तेरे नाम 2 आना, रियल में ऐसा संभव नहीं है तेरे नाम 2, क्योंकि अब तेरे नाम में जो सलमान खान का एज था अराउंड 30 के आसपास था, 30-35 के आसपास, लेकिन अब उनका एज 60 के आसपास है, तो उस करेक्टर को वैसा करेक्टर में लाना, उस टाइप के स्टोरी स्क्रीन प्ले बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो सलमान खान जिस टाइप के मूवी बनाते हैं वो बहुत ही हटके होता है, काफी मैच्योर लुक में दिखते हैं, जो जिसके वजह से तेरे नाम 2 का थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आप हमें बताइए कि क्या तेरे नाम 2 रियल में आना चाहिए, और आना चाहिए तो अगर मान लो सलमान खान नहीं होता है, तेरे नाम 2 आ रहा है, तो कौन सा एक्टर उनके रोल पे सूट करेगा? तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा एक छोटा सा अपडेट, ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।